आज हम हेल्थ असेसमेंट के टॉपिक को आगे लेते हुए हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम मेनली चार पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है इंस्पेक्शन, दूसरा पाल्पेशन, थर्ड आता है परकशन एंड फोर्थ ऑस्कल्टेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन और इसका सीक्वेंस भी यही है। फिजिकल एग्जामिनेशन करने का सीक्वेंस भी यही होता है, सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद पाल्पेशन, देन परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये इसका सीक्वेंस है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं या हम डिफाइन करती हूँ मैं इंस्पेक्शन को। इंस्पेक्शन क्या होता है? एक प्रकार का विजुअल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर नर्स क्या करती है, क्लाइंट से इंटरेक्ट होकर अपने स्किल्स का यूज करते हुए सिस्टमेटिकली डाटा को नोट करती है। उसके बाद वो देखती है पेशेंट के रेस्पिरेटरी एफर्ट को, उसके स्किन कलर को और बाउंड की मेजर करती है। उसके बाद में क्या करती है, वो केयरफुली इन सब में इन्वॉल्व होकर ऑब्जर्व करती है हर चीज़ को, पेशेंट का जनरल अपीयरेंस, उसकी बॉडी साइज, शेप, स्ट्रक्चर, पोस्चर, ये सारी जो नर्स है वो नोट करती है और डाटा को रिकॉर्ड करती है। इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट होता है उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके एक्सप्रेशन को और उसके साथ उसकी लैंग्वेज को, ये सारे इंस्पेक्शन के अंदर नर्स नोट करती है। उसके अंदर इसके बाद में आता है इंस्पेक्शन के अंदर इन्वॉल्व क्या क्या होता है, विजुअलाइज द बॉडी एरिया, बॉडी एरिया को विजुअलाइज करेगी मैक्सिमम एक्सटेंट। उसके बाद में कंपेयर करेगी विड्थ ऑफ लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म की जो विड्थ है उसको कंपेयर करेगी, सफिशियंट एक्सपोजर ऑफ बॉडी एरिया, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जर्व करेगी उसका कलर, टेक्सचर, मोबिलिटी, सिमेट्री और न्यूट्रिशनल स्टेटस और जनरल अपीयरेंस क्या है पेशेंट का, ये सारे। उसके बाद में उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और उसके बाद उसकी जो एक्सप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, कंफर्टेबल है, अलर्ट है, नर्वस है, ये सारी चीज़ें नोट करती है नर्स। और उसकी बॉडी बिल्ड को भी नोट करेगी कि थिन है, फैटी है या मॉडरेट है, ये सारे हम इंस्पेक्शन के अंदर नोट करेंगे। और इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पाल्पेशन। पाल्पेशन के अंदर जो होता है वो एक टैक्टाइल सेंसेशन होता है जिसके अंदर आप फिंगर के थ्रू या टच करके या हैंड के थ्रू आप उसको फील करते हैं, जिसमें आप साइज, शेप, बॉडी ऑर्गन का पता कर सकते हैं उससे और प्लेसमेंट या उसकी लोकेशन भी पता कर सकते हैं। और अगर मान लो आप जेंटली सिर्फ टच कर रहे हैं तो उससे आप सिर्फ स्किन की जो सरफेस है उसको फील कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उसको आप 1 सेंटीमीटर डेप्थ पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आप पाल्पेट करेंगे पल्स को, उसके बाद में अगर नेक्स्ट जो है वो उसको अगर आप और भी डीप प्रेस करेंगे जैसे 4 सेंटीमीटर तक, तो उसके अंदर आप जो ऑर्गन है उसकी शेप, उसका साइज और उसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसका पता कर सकते हैं। और जो क्या करते हैं, अगर और भी ज़्यादा डीप एग्जामिन करना है तो उसके बाद डीप एग्जामिन करने के बाद आप ऑर्गन का जो पेन है वो रिलीव कर सकते हैं। तो पाल्पेशन का यूज़ होता है वो सेंस ऑफ टच के लिए होता है, इससे एसेस वेरियस टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हेल्प करता है कन्फर्म करने में, फाइंड करने में, नोट करने में, इंस्पेक्ट करने में जो सारी भी प्रॉब्लम्स है उस ऑर्गन की, उन सबके लिए अपन पाल्पेशन का यूज़ करते हैं। जो ऑर्गन है उसकी टेंडरनेस, उसका पेन, उसका पल्स, टेक्स्चर, मॉइस्चर, इन सब का पता करने के लिए भी हम पाल्पेशन का यूज़ करते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है परकशन। परकशन के अंदर क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जो कि फिजिशियन या कोई एडवांस नर्स होती है उसी के द्वारा ये परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि टिश्यू की जो कंसिस्टेंसी होती है उसका पता लगाया जाता है। परकशन के अंदर क्या होगा, बॉडी सरफेस विथ शॉर्ट शार्प स्ट्रोक एंड ऑर्डर ऑफ पाल्पेबल वाइब्रेशंस। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, साउंड्स आएगी अलग अलग टाइप की जिससे आपको पता लगेगा कि कौन से बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। मान लो अगर आपको डल साउंड आ रही है तो आपको पता लगेगा कि फ्लूड है वो कहीं एरिया में फिल्ड हो रखा है, और जैसे लीवर हो गया या यूरिनरी ब्लैडर हो गया तो उसको आप परकशन करके पता कर सकते हैं, वहाँ डल साउंड आएगी हमेशा।
और एक फ्लैट साउंड आती है। फ्लैट साउंड जो होगी वो सॉलिड एरिया के अंदर जैसे मसल्स हो गई या अपनी टिम्पनी हो गई या ईयर ड्रम हो गया, यहाँ पर क्या होता है कि एयर होती है उस वजह से फ्लैट साउंड आती है। उसके बाद जो रेजोनेंस वाली साउंड आती है वो आती है लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली एयर फिल्ड होती है तो वहाँ पर रेजोनेंस वाली साउंड सुनाई देती है हमें। जनरली जो मिडल फिंगर या जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उसको अपन प्लेस करेंगे उस एरिया के अंदर और उसके ऊपर जो डोमिनेंट हैंड है उसको रखेंगे। उसको रखने के बाद अपन उसको परकशन करके पता लगाएंगे। ये तो आता है परकशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस क्या है वो है, नॉर्मली जो हियर्ड होते हैं वो जो साउंड होती है वो सुनाई देती है हमारे, एक तो एब्डोमेन की साउंड सुनाई देती है, एक जो होती है वो हाइपर रेजोनेंस में लंग्स की साउंड सुनाई दी जाएगी हमें, और डलनेस ओवर लंग्स, उसके बाद मसल्स की फ्लैटनेस। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट आता है वो है एस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के अंदर क्या होगा कि इसको मेनली यूज़ करते हैं अपन ऑस्कल्टेट करने के लिए स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे साउंड सुनने के लिए, इसलिए नॉर्मली ब्रीथ साउंड या हर्ट साउंड सुनने के लिए या कोई भी डिजीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लो पिच साउंड है या हाई पिच साउंड है उसको अपन सुनने के लिए भी स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो डिटेक्ट करते हैं अपन लो पिच साउंड को डिटेक्ट करने के लिए अपन स्टेथोस्कोप का बेल पार्ट यूज़ करेंगे, बेल पार्ट यूज़ करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि इससे लो पिच साउंड यानी कि S3 या S4 यानी कि अबनॉर्मल वेस्कुलर साउंड सुनाई देती है या मर्मर सुनाई देते हैं। और जो इसका डायफ्राम पार्ट होता है स्टेथोस्कोप का उससे अपन को हाई पिच साउंड सुनाई देती है, जैसे अपन नॉर्मल हार्ट साउंड सुन सकते हैं, लंग साउंड सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डायफ्राम से सुन सकते हैं। और चेस्ट को ऑस्कल्टेट करने के लिए हार्ट साउंड या लंग साउंड को आसानी से सुन सकते हैं अपन। नॉर्मली जो लंग साउंड है वो नॉर्मली क्या करते हैं अपन एब्डोमेन को ऑस्कल्टेट करते हैं बाउल साउंड के द्वारा, और लंग्स को नॉर्मल साउंड है वो एडवेंटिशियस लंग साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है फ्रीक्वेंसी, या इसकी जो फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन जो होती है वो भी बहुत लाउड होती है ऑस्कल्टेशन की लो पिच या हाई पिच के अंदर। और ये सारे टॉपिक हैं एस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन और इंस्पेक्शन। इसकी जो इमेजेस है वो आपको वीडियोस के लास्ट में दिखाई जाएगी।